नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा मुख्यमंत्री चौहान के जन्मदिन के अवसर पर खुरई में सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मंत्री सिंह ने 25 दिव्यांगों को इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल वाटी, साथ ही 251 पौधों को रोपण किया। 1,37,00,000 की लागत से 10 कचरा कलेक्शन वाहन को हरी झंडी दिखाकर नगर में रवाना किया गया। पूरे प्रदेश में जगह जगह वृक्षारोपण हो रहा है, उसी के अंतर्गत आज हमने खुरई में कई जगह वृक्षारोपण किया है। साथ ही हमने आज जो हमारे क्षेत्र के विकलांग हैं, उन 25 विकलांगों को जो पैर से विकलांग हैं उनको हम लोगों ने स्कूटी आज मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर दी है। इसके साथ आज विभिन्न जो हमारे निर्माण कार्य हैं या जो कार्य 10 करोड़ की राशि के कार्यों का आज हमने भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। इसके साथ साथ हमने जो हमारी एनवायरनमेंट स्कीम है इसके अंतर्गत आज 26,00,000 रुपए की राशि के लगभग राशि स्वीकृत की है, जो हितग्राही इनको काम धंधे के लिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में हमने 10 लोगों को 20,000 रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके साथ जो हमारी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको भी आज 2,00,000 रुपये की राशि स्वीकृत की है। तो रोजगार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगातार खुरई के विकास में कई चीज़ें हो रही हैं। आज हमने खुरई में नगर पालिका को एक फिर नई JCB मशीन दी है, 10 कचरा गाड़ियाँ दी हैं और एक वो होम कम्पोस्टिंग, डोर टू डोर होम कम्पोस्टिंग जो गाड़ी होती है उसमें खाद बनेगा, वो गाड़ी भी दी है। कचरा लेंगे, खाद बना के देंगे। तो इस तरह से स्वच्छता को लेकर, ग्रीनरी को लेकर सभी दृष्टि से अनेक विकास कार्यों का आज शुभारंभ हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, लोकार्पण हुआ है और इसी तरह से खुरई का लगातार विकास हम लोग करेंगे।